शादी है। कहाँ हो इधर गायब हो जाओ भाई, उन्हें और लड़कियाँ छोड़ देती नेशनल लेवल पर तो इतने बड़े कलाकार के जन्म होने वाली कन्या और उससे जुड़ा हुआ नाम उससे और देश सिर्फ पहली बार रियल समझी बने फिल्मों में तो बहुत सारे समझी है किरदार के कभी बात बेटी का कुछ बहुत सारे किरदार किया है क्या स्पेशल कहना चाहेंगे अभी और देश से मुलाकात हुई तो बोले और मैंने कुछ नहीं किया है जैसा लोग बोले वैसा करता गया क्या बोलूँ उसको स्वयं भी बता देते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया है जैसा मुझे करता गया वैसा मैं करता गया यानी कि शादी के रस्मों में बहुत सारे अच्छा लगा है इतनी बड़ी बेटी का बाप बन गया सबसे पहले तो सभी लोगों को पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा का नमस्कार। आज मैं अवधेश जी की बेटी के शादी के लिए उपस्थित हूँ अपने धर्मपत्नी के साथ और एक अच्छा माहौल है। एक अवधेश जी के जीवन का एक अलग पड़ाव है। आज उनके बेटी का उनके हाथों कन्यादान होगा तो ये सचमुच एक बहुत गर्व की बात है, अच्छी बात है, बड़ा ही शुभ संकेत है। और अवधेश जी को और अवधेश जी के पूरे परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे और मेरे धर्मपत्नी की ओर से। आज भाभी पहली बार मीडिया के सामने आ रहे हैं? हाँ, फर्स्ट टाइम आ रही हैं मीडिया के सामने मेरे साथ में। मैडम कुछ कहना चाहेंगे? हमारे दर्शक देख रहे हैं और काफ़ी फैंस हैं आपके डायरेक्टर के, जो बहुत लाइक करते हैं उनके फोटो को, हीरोइन भी लाइक करती है, हीरो भी करता है और दर्शक भी करते हैं। पहले तो नमस्कार आप सभी को। क्या कहूँ मैं, आपने देखा होगा ऑलवेज पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा बहुत मेहनत करते हैं वो चीज़ के लिए। आपने देखा होगा उनके जितने भी फिल्म्स आते हैं हर एक में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने मिलता है, कुछ नया सब्जेक्ट होता है। सो उसके पीछे एक सोच होती है जो वो ट्राई करते हैं कि अपने तरीके से एग्जीक्यूट करें और दर्शकों को हमेशा अच्छा भी लगा है। तो आप सभी का प्यार ऐसे ही बना रहे वही हम चाहते हैं, आपका आशीर्वाद बना रहे। आप सच बताइएगा, आप सपोर्ट करते हैं कि विरोध करते हैं? डेफिनेटली सपोर्ट करते हैं वो मुझे और मैं उनको अपने अपने क्षेत्र में, तभी हम यहाँ तक पहुँच पाए डेफिनेटली ऑडियंस की दुआ से। खेसारी जी के साथ काफ़ी फिल्म उन्होंने किया है, आपने कभी उनका फिल्म को देखा है? खेसारी जी का कभी मुलाकात हुई आपको? देखा है, मैंने उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है ज़रूर खेसारी भैया से, बट डेफिनेटली फिल्म देखी है मैंने। संघर्ष भी उनकी फिल्म थी जो बड़ी हिट रही है डेफिनेटली। उनकी जोड़ी वहीं से लॉन्च हुई थी, पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा और खेसारी जी का। तो हम चाहते हैं और डेफिनेटली आप और दर्शक भी चाहते हैं कि ऐसे ही और भी सक्सेसफुल जोड़ी होती रहे और आपको एक सिनेमा मिलते रहे। कोई संदेश खेसारी जी तक पहुँचाना चाहते हैं इनके बारे में? वो तो मैं पर्सनली दूंगी, अगर संदेश देना है इन दोनों को तो मीडिया के सामने बताइए ना पर्सनली। जो मैंने अभी थोड़े देर पहले भी कहा, मैं चाहती हूँ कि जैसे संघर्ष से इनकी जोड़ी हिट हुई वैसे ही आशिकी भी अभी उन्होंने करी है, लिट्टी चौका करी है, बोल ज़्यादा बोल अभी उन्होंने करा है। ऐसे ही हिट जोड़ी जो है उनकी ऑलरेडी बम्पर पे बम्पर हिट्स देते रहें, वही मेरा उनसे एक कहना होगा। सर आप शर्मा क्यों रहे थे? पहली बार पत्नी के साथ है, मैं सोचा नहीं था कि इतने धुआंधार इंटरव्यू देंगी, मैं खुद शर्मा गया था। तो आपको लगता है बाहर हीरोइन लाने के बाद घर में नहीं? नहीं, घर की हीरोइन घर तक ही ठीक है, रील तक ठीक नहीं है, लेकिन हाँ बिल्कुल मेरे जीवन के मैं तो यही कहूँगा कि रियल लाइफ हीरोइन के वजह से ही मैं एक रियल लाइफ हीरो बन चुका हूँ अपने क्षेत्र में, क्योंकि मेरे धर्मपत्नी का साथ मुझे हमेशा मिला और मैं चाहूँगा कि हमेशा ऐसा ही मिलता रहे प्यार से। आपकी फिल्म आस्की के बाद भी चर्चा में है आजकल, क्या कहना चाहेंगे? जी चर्चा में किस तरफ से? किस तरफ से, जाहिर सी बात है भोजपुरी के एक पुराने पीआर हैं और आज के डेट में प्रोड्यूसर हैं, उनका कहना है कि आस्की और लिट्टी चोखा सुपर डुपर फ्लॉप है। देखिए आशिकी और लिट्टी चोखा अगर सुपर डुपर फ्लॉप है तो कोरोना काल के बाद में कौन सी फिल्म हिट है मुझे बता दें। सारे मीडिया वाले, सारे दर्शक मेरे इस इंटरव्यू को अगर सुन रहे हैं
तो अगर लिट्टी चोखा और आशिकी फ्लॉप है तो कौन सी कोरोना काल के बाद में फिल्म हिट है, तो सारे मीडिया वाले मुझे बता दें, सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स बता दें, सारे दर्शक बता दें, तो मैं माना 100 बातें होती रहती है तो उसको स्पॉटिली लेना चाहिए। हमें अपने काम ध्यान दे के एक अच्छा संदेश देना चाहिए। और क्या कहूँ मैं कि आशिकी और लिट्टी चोखा के बारे में जो मुझे दर्शक रिस्पांस दे रहे हैं वही मेरे लिए काफ़ी है। कोई लोगों को पकड़ पकड़ के हम लोग थिएटर तक नहीं लेकर गए, कोई लेकर जा भी नहीं सकता, मैं क्या, कोई और भी नहीं लेकर जा सकता। तो केसारी जी के अपने फ़ैन हैं, जब उनको अपना सिनेमा मिलता है, केसारी जी वाला सारी एक्टिविटीज़ उनको सिनेमा में मिलती है, तभी वो दर्शक संघर्ष हो, लिट्टी चोखा हो या आशिकी हो, इन सबको प्रतिसाद देते हैं। और 100 बातें होती रहती हैं तो इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ उन दर्शकों का जो लोग आशिकी और लिट्टी चोखा को सुपरहिट बनाए हैं। किस बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए, उनकी फिल्में सुपर डुपर हिट है और आपकी फिल्में सुपर फ्लॉप? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि बेसिकली मैं यही कहना चाहूँगा कि क्रिटिक्स और जितने भी समीक्षक हैं वो लोग इसको भलीभांति जानते हैं क्या हिट है और क्या फ्लॉप है। सारे PROs हो, मैं वापस वही बात दोहरा रहा हूँ, सभी लोगों को पता है क्या हिट है, बस बातें करने के लिए, इंटरव्यू बनाने के लिए और बोलने के लिए कोई बोल देता है और बोलने के लिए उसके बाद में चर्चाएँ प्रति चर्चाएँ होती रहती हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। नए प्रोजेक्ट क्या रहेगा बताएगा? अभी हाल ही में जस्ट बोल राधा बोल कर चुका हूँ। बोल राधा बोल का लुक बहुत ही अच्छी तरह से केसारी जी का लोगों को पसंद आया है और जल्द ही दूसरी फिल्म जा रही है मेरी, अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा। फसल एक रिलीज पर है और सप्ताह पंखा छाप रिलीज पर है, टुनटुन रिलीज पर है। इतनी सारी फिल्में पाइपलाइन पे है और पाइपलाइन पे और भी ज़्यादा जितनी साइंड फिल्में हैं वो जल्द से जल्द फ्लोर पर जाएंगी, तो बस यही है। एक आखिरी सवाल, बोल राधा बोल में खेसारी जी का एक फोटो वायरल हुआ है 6 पैक ऐप का, बिल्कुल क्या रियल है या फेक है? ये तो उस फोटो को आप बिल्कुल देख कर बता सकते हैं रियल है या फेक है। फ़ोटो वो स्टिल भी आएगा, जब वो वीडियोस भी आएंगे तो लोगों को पता चलेगा। तो फेक बातें मैं करता नहीं, अगर 6 पैक ऐब हो ही हमको दिखाना था तो कुछ और तरीके से दिखा देते, लेकिन वो स्पेशली उस गाने के लिए केसारी जी ने मेहनत की और उस गाने को हम लोगों ने लास्ट डे शूट किया बतौर केसारी जी की फिजिक और उनका एक्सरसाइज और ये सारी चीज़ें चलती रहती थी, लेकिन स्पेशली उस गाने के लिए केसारी जी ने बहुत मेहनत की और बिल्कुल उन्होंने अपने ऐप्स पे मेहनत की और वो रिज़ल्ट फोटोग्राफ्स के ज़रिए और वीडियो के ज़रिए आप लोगों के सामने है और जल्दी आप लोगों के सामने वीडियो के ज़रिए भी आएगा, फोटोग्राफ्स के ज़रिए आप लोगों के सामने। थैंक यू सर। थैंक यू। बधाई देना चाहेंगे आज सर की लड़की का शादी? जी बिल्कुल, आज भैया के लड़की शादी है, हमारे भतीजी लाएंगे, तो मैं एक जीवन का नया टर्निंग पॉइंट है उन लोगों, तो मैं माता रानी से दुआ करता हूँ कि आज का जो दिन है, आज का जो दोनों बंधन में जुड़े हैं, आज जीवन ऐसे ही चलते रहे। मैम आप क्या कहना चाहेंगे, क्या बधाई देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं और खुश रहें, आगे बढ़े, उनका प्यार ऐसे ही करें। आप कब से जानते हैं? मैं बचपन से देखते आया हूँ, जब मैं छोटा था तब से उनकी फिल्में देखते आया हूँ, आखिरकार हम लोगों ने साथ में फिल्में किया, दो तीन फिल्में किए और पहले से बच्चा हूँ। आप कब से जानते हैं? डेट तो याद नहीं, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, बट उनकी फिल्में मैं इंडस्ट्री में आने से पहले कर रही हूँ। इतने अच्छे कलाकार हैं, उतने अच्छे इंसान हैं, बहुत सरल है, बहुत तारीफ करें। माता तो हमें गलत छूट चुका है, अभी फिल्म होगा धमाका क्या, हम लोग डायरेक्ट छोड़ देते हैं, बहुत जल्द सिनेमा घर में आने वाले। आपके चेहरे पे दाग है, क्या है कुछ? जी बिल्कुल, मैं अधिकतर एक्शन फिल्में करता हूँ, आईटी में लग गया, अभी बहुत बड़ी फिल्म कर गया हूँ उनका, उसी में लगा करता हूँ। अच्छा, आपका सोशल मीडिया पे एक लाइटिया कट रहे हैं महाराष्ट्र के? नहीं नहीं, कट रहे मुख्यमंत्री के लड़के के साथ में, आप शायद बात कर रहे आदित्य ठाकरे जी, और आदित्य जी से अच्छा अभी
चालू हुआ है, कुछ नया होने वाला है हमारे भोजपुरी में भी और पॉलिटिशियन में भी, पॉलिटिक्स में भी बहुत कुछ नया होने वाला है। अच्छा संपर्क हुआ है, अभी दो चार दिन से मैं कंटिन्यू उनसे मिल रहा हूँ, कल भी मेरा अपार्टमेंट है मिलने का, कुछ बड़ा होने वाला है। मैम थोड़ा पीछे छोड़ो, तोड़ते तोड़ते आपका खुद का बंधन टूट चुका है, बंधन टूटे का सीरियल में जो आप शादी के मंडप से आप टूट गए। हाँ तो अभी छोटू जरा पीछे हो, सारा फिर से बंधन जुड़ने वाला है, टूटेगा नहीं आप टेंशन से, जिसके लिए आपको फिल्म देखना पड़ा। जितना मैं शेयर करती फेसबुक में बस आप वही देखते ना, पूरा शो अगर फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा बंधन नहीं टूटने वाला। बंधन चले जाते जाते जो आपके चाहने वाले उसे कह देंगे, बिल्कुल जैसे सब आशीर्वाद देते हैं वैसे भी अपने भाई को खुशी। आप सर कुछ सर सर तो आज आप जो हैं अवधेश मिश्रा साहब की VTRTP आम यहाँ है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, हैंडसम लग रहा है, किस तरीके से आपने तैयारी की, क्या कुछ चल रहा था आपके दिमाग में शादी को लेकर? सबसे बड़ी बात है कि अपने भोजपुरी सिनेमा परिवार में मुझे वहाँ जहाँ तक मुझे नॉलेज है ये पहला ऐसा मौका है जब किसी एक्टर की बेटी की शादी हो रही है, तो लगभग हम लोग समकालीन हैं, थोड़े से ऊपर नीचे आगे पीछे, कोई थोड़ा सीनियर कोई थोड़ा जूनियर, तो ये एक अलग और ख़ास तरह का मौका है और एक मतलब इस दौर में मुझे ऐसा लगता है कि ये पहली शादी है किसी कलाकार की पुत्री की शादी है, तो मन बहुत भावुक है और अच्छा भी लगता है, चूँकि अवधेश जी हमारे बहुत ही ख़ास मित्रों में से हैं, काफ़ी हम लोग सुख दुख बाँटते रहते हैं, तो एक सुखद एहसास है, अच्छा लग रहा है और इस बात की खुशी भी है कि बिटिया की शादी हो रही है साक्षी की, और साक्षी के चेहरे पे स्माइल और उनके वर जो हैं उनके स्माइल को देख के बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। साहब देखो ऐसा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अवधेश मिश्रा साहब आपने ही बोला बहुत बड़े स्टार हैं, सुपरस्टार हैं, हर चीज़ है, लेकिन सिचुएशन ये भी है कि हम यहाँ पर और भी भोजपुरी के बड़े बड़े चेहरों को देखना चाहते थे जो यहाँ पर आकर आशीर्वाद दे सकते थे, लेकिन नहीं पहुंचे हुए हैं। हाँ ये तो थोड़ी सी कमी खल रही है, लेकिन ऐसा भी कह सकते हैं कि थोड़ी व्यस्तता भी होगी, क्योंकि कई सारी शूटिंग्स चल रही हैं और हम कलाकारों के साथ एक बहुत बड़ी त्रासदी ये है कि जब सो मस्ट गो ऑन, मतलब शो तो किसी हालत में चल होना ही है। हाँ तो होना ही है, तो कभी कभी हम खुद कलाकार हैं अपने रिश्तेदारों की शादियों में शरीक नहीं हो पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे रीजन होते हैं। मैं खुद बतौर डायरेक्टर मैं बता रहा हूँ कि मेरे रिलेटिव की शादी थी और मैं लाख चाह के भी नहीं था, क्योंकि वजह ये थी कि मेरे जाने से करीब 50-60 लोगों की यूनिट जो है वो परेशानी का सामना कर सकते हैं। तो एक ये भी कह सकते हैं कि जो भी बड़े चेहरे हैं, जो बड़े स्टार हैं, उनकी व्यस्तता रही होगी, क्योंकि ये सीजन जो है, ये जो शादियों का सीजन है, ऐसा होता है कि उनके खुद के रिश्तेदारों की भी शादी होती है और इस बीच तो लगातार मुझे लगता है कि लगभग कई सारी शूटिंग्स जो हैं, और मेरे नॉलेज में जितने बड़े स्टार हैं सब कहीं ना कहीं व्यस्त हैं, शूटिंग कर रहे हैं, तो जो भी पहुंचे हैं उन्हें तो दिल से धन्यवाद है और बहुत अच्छा भी लग रहा है, लेकिन जो जहां है वहां से उन्होंने अपने विशेष दिए हैं, ये इस बात की मुझे जानकारी है। चलिए ठीक है सर, एक आखिरी में जाते रहते बताते जाइए कौन से प्रोजेक्ट हैं जिसमें हम आपको एज ए डायरेक्टर एज एक्टर देख सकते हैं। बिल्कुल, मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसे आप देख सकते हैं, मेरी आने वाली फिल्मों में है राजमहल, लव एक्सप्रेस और नाम बदनाम, ये मेरी बहुत ही एक अलग तरह की फिल्में हैं। इसके अलावा पिया परदेसिया जिसकी शूटिंग मैंने लंदन में की है वो आने वाली है बतौर एक्टर परशुराम, और 3-4 फिल्म जो लंदन में शूट हुई है वो भी आप देख सकेंगे। कुछ नई फिल्मों की तैयारी चल रही है जिसके नाम की घोषणा बहुत जल्द आप सबके बीच की जाएगी, तो बस आपको का प्यार और आशीर्वाद स्नेह इसी तरह मिलता रहे और हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए बेहतरीन सिनेमा पेश कर सकें। थैंक यू वेरी मच, और जाते रहते हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे इंसान। थैंक यू सो मच। रोलिंग छोटू, अरे सर ये संधि बन के आए हैं या भाई बन के आए हैं? ये आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं और कुछ ऑब्जेक्ट के अभी बाकी? डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं सर। सबसे पहले तो हम आपके चैनल के माध्यम से सबको प्रणाम करना चाहेंगे, और जैसा कि आज हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के वरिष्ठ कलाकार अवधेश जी की बिटिया की शादी इसके साथ में, हम उनको ढेर सारी शुभकामना देना चाहेंगे। और पूछिए अब क्या पूछा, कब से याद क्या बोलते हैं? अरे मैं समझता हूँ जब से ये भोजपुरी इंडस्ट्री का दौर नया आया तब से, जब से वो शुरुआत काम की है तब से।
फिल्मों में अवधेश जी बेटे का समझे पिता के नाम थे, आज रियल लाइफ में पिता के नाम ये एक बाप के लिए बहुत ही सुखद अनुभव है और बड़ा मार्मिक सब मिला के ये जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। सबसे लाइफ में भोजपुरी इंडस्ट्री अब पोर्न इंडस्ट्री बनती जा रही है। नहीं ये गलत है, काफ़ी कुछ सुधार आया और काफ़ी अभी अच्छी अच्छी फिल्में आ रही हैं यहाँ पर के लिए। अभी जितनी भी फिल्में आ रही हैं मैं समझता हूँ उसमें अश्लीलता तो अभी काफ़ी हद तक हो गई है, सब पारिवारिक पिक्चरें बन रही हैं, देखने लायक हैं। आप एग्जाम्पल के तौर से संघर्ष ले लीजिए, लिट्टी चोखा ले लीजिए, फसल ले लीजिए, या आने वाली पिक्चरें हैं उनका बाबा उनका साथ, तो सारी पिक्चरों में जहाँ तक देख रहा हूँ कि अश्लीलता बिल्कुल गायब है, बड़ी ही पारिवारिक पिक्चर है। थैंक यू, धन्यवाद सर। और आज हमारे साथ हैं दशरथ गद्दी के महंत श्री ब्रज मोहन दास जी और साथ में के गोस्वामी जी हैं, और पीछे हमारे देखिए कॉमेडियन मटरू जी हैं, बिहार के नहीं रहने वाले, पटना के रहने वाले हैं। तो भैया मोबाइल आ रहा है पूरा हो चुका है, आप आए लो यार इधर तो मैं मार देता हूँ। देखिए आज यहाँ पे आने का आनंद आ रहा है, अवधेश जी हमारे बहुत प्रिय शिष्य हैं, आज उनकी सुपुत्री का विवाह हो रहा है, तो अयोध्या से आकर यहाँ पे आशीर्वाद दिया गया और ये कामना की गई मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी से अयोध्या सम समाज की तरफ से कि ये जुगल जोड़ी सदा सलामत रहे, खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़े और इनके वैवाहिक जीवन खूब सम्पन्न हो, यही आशीर्वाद लेकर अयोध्या से हम आए हैं। और यहाँ पे आने के बाद तमाम कलाकारों से मिले, हमारे संजय भूषण जी जो प्रचारक हैं फिल्मों के, ये मेरे साथ हैं, इधर के गोस्वामी जी बहुत बहुत छोटे और प्यारे कलाकार हैं, जी की पत्नी राजू मिश्रा जी भी बहुत व्यस्त हैं और बहुत अच्छा कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं, उनके बारे में क्या कुछ? मैं पूरे परिवार से मिला, उनकी घर पत्नी से मिला, उनके भाइयों से मिला, उनकी माँ से मिला, सब लोगों ने बहुत प्यार दिया, बड़ा स्नेह दिया, यहाँ पे आके वास्तव में दिल बहुत प्रसन्न है और मैं सच्चे दिल से सबको आशीर्वाद दे रहा हूँ कि आप लोग खूब आगे बढ़े, ये वैवाहिक जीवन खूब सम्पन्न रहे, प्रभु राम की कृपा सदा आप लोग बनी रहे। जय श्री राम, जय श्री राम। ये देखिए जय श्री राम जी, हमारे प्रिय शिष्य हैं, इनके छोटे भाई भी हमारे शिष्य हैं, तो आज आशीर्वाद दे रहा हूँ, खूब आगे बढ़े और जितना बड़ा पद है उससे कई गुना ये नाम करते हैं, काम भी करते हैं।